वेलकम बैक टू गीक स्टैक फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो फुल्ली प्रैक्टिकल होगा। इससे पहले जो वीडियो अपलोड करी थी वो फजिंग की ही थी। उसके अंदर मैंने बताया था कि व्हाट इज़ फजिंग एंड टाइप्स ऑफ फजिंग्स एंड क्या यूज़ होती है फजिंग, और अपन टेस्टर्स वैसे यूज़ क्या करते हैं फजिंग को मेनली, और अपन ने जो भी उसमें प्रैक्टिकल किया था वो विंडोज़ पे किया था जैसे आपको पता है। और मैंने बताया भी था कि अगला जो उसका पार्ट आएगा वो पूरा प्रैक्टिकल होगा और वो काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगा। तो आज अपन जो भी करेंगे वो काले लिनक्स पे करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग है। फ्रेंड्स, पिछली इससे पहले जो वीडियो अपलोड करी थी उसके अंदर फजिंग के अंदर दो वर्किंग बताई थी मैंने। पहली डीडॉस अटैक टेस्टिंग एंड सेकेंड क्रॉलिंग ऑफ फाइल्स ऑफ वेबसाइट्स। तो कल अपन ने सीखा था कि कैसे क्रॉल करते हो आप वेबसाइट्स की फ़ाइल को, क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है, क्योंकि कल अपन ने वेबसाइट के थ्रू सीखा था, किसी टूल का यूज़ नहीं लिया था। और आज अपन करेंगे कि कैसे डीडॉस अटैक जो होता है उसको टेस्ट करते हैं टेस्टर्स। अगर पर्टिकुलरली किसी वेबसाइट पे डीडॉस अटैक लग रखा है तो अपन कैसे उसको टेस्ट कर सकते हैं, तो वो आज अपन सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें एक टूल यूज़ होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि कमांड लाइन इंटरफेस होगा पूरा काली पे, कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होगा। तो वैसे इस पर एक टूल है जो इनबिल्ट इंस्टॉल्ड है, उसका नाम है एस फज़। सिंपल डीडॉस अटैक टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है और भी बहुत सारी वर्किंग करता है ये। तो आज अपन मेनली टेस्टिंग ही देखेंगे। एंड फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं आपको मिल जाएंगे, जैसे ओपन सोर्स एक वेबसाइट है गिटहब, जैसे पहले भी मैंने बताया था। इस पर आप अपनी टूल्स अपलोड भी कर सकते हैं एंड डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ से आपको हैकिंग के, टेस्टिंग के, फॉरेंसिक्स के बहुत सारे टूल्स इजीली मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अपन टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे एस फज, देन एंटर। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था आपको कि कोई भी वेबसाइट, कोई भी टूल होता है, तो अगर उस टूल को अपन ओपन करते हैं तो पहले उसकी हेल्प आती है कि क्या, कैसे अपन यूज़ कर सकते हैं इस टूल को। और पूरा कमांड लाइन बेस्ड है, आप देख, सिंपल फज और बाय एरॉन कोनल नाम से किसी ने बनाया हुआ है, जो उसका ऑथर प्रोग्रामर है। तो डायरेक्टली इसने अपना ईमेल भी दे रखा है कि अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं डायरेक्ट इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वैसे ही इधर अलग अलग हेल्प के ऑप्शन है नेटवर्किंग के लिए, क्या टैग्स यूज़ होंगे। तो अपन को मेनली सिर्फ फजिंग करनी, सिर्फ डीडॉस अटैक टेस्ट करना है। तो मेरे पास दो आईपी एड्रेस है फ्रेंड। पहला जो आईपी एड्रेस है वो एक वैसी वेबसाइट है जो एज अ ट्यूशन जो वेबसाइट्स होती है कोचिंग्स की, वो वेबसाइट का आईपी एड्रेस है। सेकंड जो वेबसाइट है वो है एज अ पर्टिकुलरली किसी नॉर्मल वेबसाइट है, जिस पे जैसे आप कह सकते हो जिस पे मार्केटिंग का काम होता है, ये सेकंड वेबसाइट का आईपी एड्रेस है। फर्स्ट पे एसएसएल सिक्योरिटी नहीं है, मींस फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है एचटीटीपी है, और सॉरी फर्स्ट वाली वेबसाइट एचटीटीपी है एंड सेकंड वाली एचटीटीपीएस है। तो अपन दोनों को चेक करेंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है। तो अपन कमांड लिखेंगे एस फर्स, सिंपल बड़ा एस, ये पहली पहला जो मैंने आईपी एड्रेस बताया था वो है ये, एंड देन पोर्ट नंबर। बिकॉज पोर्ट नंबर के बिना तो अपन कुछ चेक नहीं कर सकते। जो पोर्ट नंबर है वो अपना एचटीटीपी का ही आगा, इसमें मैंने मिक्स कर दिया है एचटीटीपी एचटीटीपीएस मिक्सचर ऑफ दिस प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का, उसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 10443 है। देन आप लिखेंगे टी एफ फ्रेंड्स, जो टी कमांड होती है आप इधर देख सकते हैं, बेसिकली टी कमांड टीसीपी इनपुट्स के लिए होती है और एफ़ कमांड है कॉन्फ़िग के लिए। तो कॉन्फ़िग के लिए अपन को ये चेक करना पड़ेगा ये फाइल कहाँ है। तो बेसिकली ये फाइल यूज़र शेयर एस फज नाम से, एस फज एग्जांपल, यू कैन से सैम्पल, इट्स नॉट एग्जाम्पल, एंड एक फाइल है बेसिक डॉट एच टी टी पी। इस फाइल के थ्रू ये रन होता है जिससे आप इजीली अटैक लगा सकते हो। एस फज स्लैश एस, एस इज़ यूज फॉर ओनली परफॉर्म अ सीक्वेंस फिज फजिंग, आई पी एड्रेस, देन प्रोटोकॉल,
Then T is used for TCP, waiting time for reading the socket. TCP and UDP output mode. F is used for a config file. Config file का मैंने दे दिया and then enter. फ्रेंड जैसे ही मैंने एंटर किया तो बहुत सारे लिटरल्स मींस इस जो इसके फाइल्स के अंदर जो भी था वो इसने आउटपुट दिखा दिया फाइल के अंदर जो इसकी फाइल थी बेसिक डॉट एच टी एम एल एच टी टी पी एंड देन एरर आ गया. फ्रेंड एरर मेन इस रीज़न से आया क्योंकि ये जो वेबसाइट है एक मेनली सिक्योर्ड नहीं है और ये इस पर टेस्टिंग नहीं करेगा. इसने साफ एरर दे दिया है कि मैं टेस्ट नहीं कर सकता इस वेबसाइट पर क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलरली इस पर कह सकते हो आप कुछ भी हैवी चीज़ नहीं है जो टेस्ट करी जा सके और इस पर डीडोस अटैक लगाते हो तो ये वेबसाइट डायरेक्टली क्रैश होगी. इसको आप टेस्ट करके चेक भी नहीं कर सकते इसलिए इसने डायरेक्टली मना कर दिया है. एरर आ चुका है अनेबल टू कनेक्ट रिमोट सिस्टम कनेक्ट नहीं कर पा रहा है. अपन जो मेरा सेकेंड आई पी एड्रेस है जो एस एस एल सिक्योरिटी पे अवेलेबल है वो लेते हैं एक बार. ये मैंने कॉपी कर लिया वी नहीं कॉपी नहीं हुआ है क्लियरली. आप देख सकते हैं फ्रेंड जैसे ही मैंने एंटर किया मींस कॉपी किया आईपी एड्रेस जो सेकंड वाला है इसने अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है. टाइमिंग का कुछ पता नहीं कि मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है और मिनिमम टाइम क्या है ये अपने प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है ये कि कितना टाइम लेगा ये. तो अपन 1 मिनट वेट करते हैं कि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है. फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई है. एक काम करता हूँ मैं मेरे जो सिस्टम का आईपी एड्रेस है वो एक बार चेक करता हूँ. मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है 192.168.43.222. आप याद रखिएगा 43.222. तो अपन एक और प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं जिस पे मेरा आईपी एड्रेस है. मैं मेरे सिस्टम पे भी फजिंग स्टार्ट कर सकता हूँ. फ्रेंड्स यहाँ पे एरर आ गया है जिसके आप देख सकते हो अनेबल टू कनेक्ट रिमोट सिस्टम. इस पर क्यों नहीं आया इसका रीज़न आपके पास मैं बता सकता हूँ डायरेक्टली आपको. इस पर इसलिए नहीं आया है क्योंकि पहला इसने अटेम्प्ट किया कनेक्ट रिमोट सिस्टम. इसका रीज़न ये है कि ये HTTPS है और जो अपन कमांड लिख रहे हैं और जो अपन प्रोटोकॉल एंटर कर रहे हैं वो है HTTP 10443 एंड जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो basics.http है HTTPS नहीं है. तो अपन जितनी भी वेबसाइट टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे HTTPS की वेबसाइट टेस्ट कर सकते हैं. तो आप डायरेक्टली कोई भी वेबसाइट होगी या कोई भी HTTP वेबसाइट है आप यहाँ पे डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हो. और यहाँ पे सीक्वेंस जैसे ही रन होगा तो जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट आ गया या एरर नहीं आता है तो वो टेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है. फिर आप जैसे ही चेक करेंगे वेबसाइट को जाके तो वो डाउन होने लगेगी. डाउन सिर्फ आपके सिस्टम पे ही रहेगी वो ये चेक करते हैं कि कितनी देर में वेबसाइट डाउन हो रही है. आपको टाइम लिमिट पर चल जाएगी तो आप इजीली रोक सकते हो डीडोस अटैक्स को. तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं फ्रेंड्स. स्लो लॉरिस नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है मैं नेम लिख देता हूँ.
लो, लॉरिस नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो फजिंग के लिए काम आता है और इजीली डीडॉस अटैक के लिए भी काम आता है, स्लो लॉरिस। या आप इजीली गिटहब पे आपको मिल जाएगा ये, तो आप वहाँ से इजी डाउनलोड भी कर सकते हो उसको। आप मतलब इसके इससे आप अटैक कर भी सकते हैं एंड टेस्ट भी कर सकते, दोनों काम होते हैं इस टूल से। फ्रेंड्स अभी भी देखिए अटेम्प्टिंग सेकंड स्टेज भी चल रहा है ये, अभी चेक करेगा सेकंड स्टेज पे अटेम्प्ट होता है या नहीं होता है। और इसने वैसे पूरी फाइल रन कर दी है, एरर अगर एक बार आ गया है तो ये रन नहीं करेगा दोबारा, भी दोबारा एरर आएगा इसके अंदर, क्योंकि बेसिकली यार फ्रेंड्स अपन फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल HTTP है और अपन चला रहे HTTPS है, तो ये अंतर हो जाता है। ये देखिए अटेम्प्टिंग फजिंग टू पे भी अनेबल टू कनेक्ट हो चुका है, एरर आ चुका है। तो यही है फ्रेंड्स, आप टेस्ट करिए जो वेबसाइट HTTP है। वैसे बता सकता हूँ कि आपको ये यूज़ कैसे करते हैं, और फजिंग मेनली यहाँ पे ओवर हो जाती है, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है फजिंग का। अगर आप इस पर डीप में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, बनाना आना चाहिए आपको। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।